पिछले कई सालों से चीज देखने को मिल रही है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं, जो इस्लाम के जनक माने जाते हैं, वो आजकल इस्लाम के सॉफ्टवेयर वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। अपने देश में कई सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे हैं, महिलाओं को पहले से ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। हाल ही में तो कतर में 45 मेंबर्स की शूरा काउंसिल के लिए लेजिस्लेटिव पोल्स भी हुए, जिनमें 30 सीटों के ऊपर कैंडिडेट चुने जाने थे, जबकि बाकी की 15 सीट्स कतर के अमीर द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट की जानी थी। खास बात यह रही कि पहली बार हो रहे कतर में इन इलेक्शंस में न सिर्फ महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, बल्कि इसके साथ साथ 30 सीटों के ऊपर महिलाओं को खड़े होने की परमिशन भी मिली थी। हालांकि वो बात अलग है कि 30 सीटों में से एक भी सीट महिला कैंडिडेट नहीं जीत पाई। कहने का मतलब ये है कि अरब देश जो कट्टर इस्लाम से धीरे धीरे सॉफ्टवेयर वर्जन की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन उनके ठीक उल्टा साउथ एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई सारे देश ये सब कट्टरपंथी समाज की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, तालिबान ने किस तरह से वुमेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को बंद करके वहां पर गर्ल्स एजुकेशन पर रोक लगा दी है। और रिसेंटली पाकिस्तान में एक पब्लिक पोल भी हुआ था, जिसमें ये सामने निकल कर आया है कि पाकिस्तान के लगभग 55% लोग, यानी मेजोरिटी की पॉपुलेशन, ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान की तरह एक कट्टरपंथी सरकार आए और वहां पर भी शरिया कानून से देश चले। यानी जिस तरह से तालिबान का रूल करने का स्टाइल है, वैसा पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यानी हेड टू टो बुरके के अंदर बंद करके महिलाओं को बिना किसी मेल मेंबर्स यानी परिवार के किसी आदमी के बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत ना हो, और 1200 साल पुराने इस्लामिक कानूनों से पाकिस्तान चले, ये चाहते हैं पाकिस्तान के 55% लोग। बांग्लादेश का तो आपको पता ही है कि वहां पर कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है और हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों में मूर्तियों के साथ वहां पर क्या क्या किया जाता है। लेकिन ऐसे सभी देश जो कि धार्मिक कट्टरपंथी की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जहां पर आज की डेट में दुबई एक्सपो 2020 चल रहा है, जिसकी शुरुआत इसी महीने 1 अक्टूबर को हुई थी और ये चलेगा अगले साल 31 मार्च 2022 तक। दुबई एक्सपो में दुनिया के 190 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर भारत का भी एक बड़ा पवेलियन है। भारत ने अपने पवेलियन की थीम टेक और कल्चर दोनों को मिक्स करके रखी है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जब दुबई एक्सपो लॉन्च हुआ था, तब भारत ने अपने पवेलियन में राम मंदिर का एक रेप्लिका लगाया था, जहां पर यूएई गवर्नमेंट के कई सारे अधिकारियों ने भी विजिट किया था, साथ में राम मंदिर के रेप्लिका को सराहा भी था। उस समय पाकिस्तान में इस खबर पर यूएई को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी और पाकिस्तानी कह रहे थे कि जिस बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बन रहा हो, उसको यूएई अपनी धरती पर कैसे आने दे सकता है। लेकिन अब लगता है कि यूएई को और भी ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन में अब नवरात्रि और दुर्गा पूजा को भी प्रदर्शित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन पवेलियन में नवरात्रि के लिए संगीत कार्यक्रम के साथ साथ रामनवमी, दुर्गा पूजा और फिर आगे दशहरा और दिवाली को भी प्रदर्शित करने की इजाजत दे दी गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सरकारी अधिकारियों के साथ साथ वहां के लोकल लोग भी भारतीय पवेलियन की भव्यता को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं और उसको सराह भी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू के पहले 10 दिनों के अंदर ही 411,000 से ज्यादा लोग इस एक्सपो में विजिट कर चुके हैं। भारतीय पवेलियन में राम मंदिर के साथ साथ ताजमहल, सन टेम्पल और काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी रेप्लिका लगाया गया है, जिसको यूएई के लोग भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने इस एक्सपो में भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का फैसला किया है, जिसके तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो यूएई भारत के साथ अपने संबंध बेहद ज्यादा मजबूत करना चाहता है। उसने साल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद भी दिया था। वहीं ट्रेड रिलेशंस के साथ साथ दोनों देशों के सैन्य संबंध भी अब काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश तो अब एक साथ मिलकर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। वैसे बस यूएई नहीं, बाकी अरब देश भी अब इस्लाम के सॉफ्टवेयर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अब कट्टरवाद चरम पर है।